एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय केबी। स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस कर लिया था डेल्टा टीबी, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्स्टेंट लीजिए, कॉन्स्टेंट यहां मैंने के बी लिया, दिस के बी इट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इसी को हम मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम के बी की डेफिनेशन बनाएंगे मोलल एलिवेशन की, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन बनाएंगे। कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, एक और नाम है इसका, देखिए डेफिनेशन कैसे बनाते हैं हम इसकी, के बी की फिजिक्स में डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, फिजिक्स वाले किसी भी कांस्टेंट का डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। जिस कांस्टेंट की डेफिनेशन बनानी हो हमें इस कांस्टेंट का डेफिनेशन बनाना है, जिसका डेफिनेशन बनाना हो उसको छोड़ के उसके साइड जितना भी कुछ है उसको यूनिटी ले लीजिए, वन ले लीजिए। तो मैं यहाँ एम, स्मॉल एम को अगर मैं वन ले लूँ यूनिटी, तो देखिए क्या होगा, डेल्टा टी बी इट विल बी इक्वल टू के बी। तो डेल्टा टी बी के बी के इक्वल हो जाएगा। यहां से हमारा के बी का डेफिनेशन बन गया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन बन गया। क्या डेफिनेशन है, दिस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी टेकन इज यूनिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।